बच्चों पे तो सहयोग इतने जल्दी बनता है, इतने जल्दी बच्चे इसे पाते हैं। मैंने जब भी स्कूलों में ये व्यवस्था करी और जब जब मैं गई हूँ, मैंने देखा कि 100 बच्चों में से 80 बच्चे हो, वही स्कूल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, उनको ज़रा समय लगता है, उनमें यही संख्या 60-70 आ जाती। पर कॉलेज के बच्चे हिंदुस्तान के पता नहीं किस योनि से बने हुए हैं कि बहुत मुश्किल काम, बहुत ही मुश्किल काम है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में लोगों ने मुझे इनवाइट किया तो उनके वाइस चांसलर आकर कह ले, माता जी आप मेहरबानी करिए, हम लोग की नाक कट जाए, ये बच्चे बिल्कुल बंदर जैसे, आपको नोट था। मैंने कहा बिल्कुल मेरे ऊपर तो छोड़ो, नहीं कहला हम नहीं करेंगे, तो ऐसा मारा है इन्होंने, ऐसा किया है, देखिए संभल के रहिए। सिफिज्म तो अमेरिका में आया, लेकिन यहाँ जो आने वाला है उससे आप बच के, उसकी ओर से अपनी दृष्टि हटा देने से कोई सा भी प्रश्न हल नहीं। अगर आप वास्तविक अपने देश की उन्नति और देशों की भी भलाई के विचार से कभी भी सोचते हो, तो यह सोच लीजिए कि सारे दारोमदार इन युवकों का, इनको सहज योग से ही ठीक करना पड़ेगा। सहज योग माने परमात्मा का प्रेम, और ये सिर्फ वही कर सकता है जो स्वयं रियलाइज, जो स्वयं उस प्रेम से प्लावित हो और जिसके अंदर से शक्ति बह रही है, वही ये कार्य कर सकते हैं। जितने लोग सहज योग में पाएंगे वही लोग अंत में सारे सृष्टि पर निर्भर हैं। पर ऐसे हैं कि बड़े कठिनाई से, आपको आश्चर्य होगा, 5 साल बहुत मेहनत करने के बाद बम्बई में असल में जिसको कहना चाहिए रियलाइज 1000 आदमी है, बड़ी मुश्किल, वो भी साइज वो इतना नहीं, और उसमें से कोई 11 आदमी ऐसे हैं कि जो दूसरों को पार कर। अमेरिका में बहुत जल्दी लोग पार हो जाते, लेकिन साइज वो कठिन है उनका, रोज ही वो लोग गुरु बदलते हैं, रोज ही वो कुएं खोदते हैं, सोचते नहीं समझते हैं, इसकी गहराई को मापते हैं। ये कितना अत्यावश्यक है उसे हम जानते हैं, इसकी कितनी जरूरत है उसे हम समझते हैं। जिस वक्त हम इसे समझ लें, वो क्षण हमारे देश के लिए क्या, सारे विश्व के लिए बड़ा ही भाग्यशाली है। हमारा चिल्लाना तो बना ही रहेगा, हमारा कहना तो बना ही रहेगा, एक माँ है पुकार पुकार के अपने बच्चों से कितना समझा, लेकिन भूख भी तो लगनी चाहिए। अगर बच्चों को भूख ही नहीं है तो उनके सामने क्या, दौड़ दौड़ के पैर पड़ पड़ के कहा जाए। जो लोग पार हो जाते हैं, जो इस शक्ति से परिपूर्ण हो जाते हैं, उनको कोई भी बीमारी नहीं आती, और आने पर भी वो उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान भी नहीं दिया जा सकता कि इस बीमारी को इस शक्ति से कैसे किया। आपके हाथ में से धीरे धीरे बहने वाली ये जो लहरियां हैं, जैसे कि चैतन्य लहरी आदि, बहुत पहले से कहा गया, आदि शंकराचार्य ने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उनको आजकल पढ़ता कौन। इस लहरियों से ही आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं, अपना तो भला हो ही गया, ऐसे लोगों को निरोगी बनाता है, ऐसे लोग दूसरों को निरोगी बनाते हैं और दीर्घायु। इतना ही नहीं कि आयु ज्यादा होती, लेकिन आनंद में रहते, इतना ही नहीं कि आनंद में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसको कि हमें कहना चाहिए समचेतना, इसका कोई आज तक कोई आविष्कार ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि समचेतना की। कहने वाले जैसे युग ने बहुत बार समचेतना पर कहा है, लेकिन कोई साफ साफ बात नहीं। आप अगर ध्यान में आकर इसे पालें, मेडिटेशन में आकर इसे पालें, तो आप समझ जाइएगा कि समचेतना हम क्या कहते हैं। इसका अर्थ सिर्फ यही है कि आपके अंदर जो चेतना है उसे हम जान रहे हैं, आपके अंदर की कुंडलिनी को हम समझ रहे हैं, और जब हम आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे अपने प्यार से उठा रहे हैं, तब उसकी रुकावटें भी हम समझ रहे हैं और उसको भी हम हटा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे आप निक्सन की कुंडलिनी देख सकते, आश्चर्य की बात, लेकिन देख सकते, देखते ही साथ आप समझ सकते हैं कि किस परेशानी में वो बैठे हैं, उनको क्या तकलीफ है, कहाँ रुकावट है, चैतन्य कहाँ रुका। यह कोई बायस चीज नहीं होती, कोई एक विचार से नहीं कि किसी को आप नफरत करते हैं, किसी से आपको दुश्मन नहीं, ये नहीं कि सोचते हैं, आप सोचते हैं कि उसको किस तरह से दे दें, देते ही साथ वो जो जिसे आप दे रहे हैं इसका भला ही उसका हित ही होगा, अहित नहीं होगा। इससे बढ़ के और कोई जनसेवा और समाज सेवा भी नहीं, क्योंकि इसमें मनुष्य करते वक्त ये नहीं सोचता
कि इस हाथ से इस हाथ का कुछ भला करे। ये तो दोनों हाथ जब एक ही हो गए और इसमें जब दर्द हुआ तो अपने आप ऑटोमैटिकली आप इसको ठीक करें। सहजयोग यानी क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके लिए आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इस पर मैं कल बताने वाली हूँ। लेकिन आज मैंने यही भूमिका बांधी है कि सहज योग के सिवा संसार का कारण नहीं, सेल्वेशन नहीं, बाकी जितने भी योग हैं उनसे और चाहे जो भी होता होगा लेकिन सेल्वेशन ही होगा, तारण नहीं हो सकता। अगर संसार का तारण करना है तो सहज योग का ही अवलंबन करना चाहिए, जो परमात्मा का अपना ही मार्ग, वही यह कार्य कर रहे हैं, सिर्फ आपको जानना मात्र। दुख सिर्फ इतना है कि सहज योग में आपकी स्वतंत्रता पर ही सकते हैं। अगर आप इसको पूरी तरह से सोच विचार से अंदर की आर्थिकता अंदर की प्यास से नहीं जाएंगे ये काम नहीं करें। अमेरिका में एक साहब बहुत बड़े आदमी थे, वो मेरे साथ चार दिन आके रहे, कहने मुझे पार करा, वो पार नहीं हुए। वो बहुत परेशान कि साधारण गृहणियाँ वो पार हो रहे हैं, हम पार नहीं हो रहे, क्या बात है, हम क्यों नहीं पार हो रहे। तो मैंने उनसे कहा कि आप नहीं पार हो रहे इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण आप। मैं तो प्रयत्नशील हूँ कि इसको पार करूँ, उनको पार करूँ, लेकिन इसका कारण मैं नहीं हूँ कि आप पार नहीं हूँ। वो पूछने लगे कि फिर कारण क्या। मैंने कहा कारण ये है कि अंदर से वो प्यार जगा नहीं, वो आर्तता जगी नहीं जो अपने प्रति भी होनी चाहिए। जिस दिन वो प्यार जग जाएगा तो स्वयं ही पार हो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे 4 बजे नहा करके वो बैठ गए और पट से पार हो। ये हो जाता है जिसने में बहुत ही अद्भुत, लेकिन है ही नहीं अद्भुत, लेकिन बहुत कुछ अद्भुत संसार में होता है। उसी तरह से ये भी कुछ गर्भवती होना है, उसे स्वीकार कर उसको अपनाना, उसके बारे में शंका कुशंका करने से उनकी कार्य। आज उत्पत्ति से लेके मनुष्य तक पहुंचा दिया है आप लोगों को, और मनुष्य से मनुष्य को आगे कहाँ जाना है उस और भी इशारा, लेकिन हमारे इशारे करने से भी और कहने से भी कार्य नहीं होगा। आपके अंदर ये मांग है या नहीं, आप इसे चाहते हैं या नहीं, आप अपनी शांति को पूरे हृदय से चाहते हैं या अभी भी कहीं जड़ता में ही खोते, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। कल सहयोग माने क्या, सहयोग से कैसे प्राप्ति होती है, आदि विषयों पर मैं आपके सामने विस्तार पूर्वक कहूँ। आज सबका विचार ये भी था कि ध्यान करे बगैर तो कुछ माता जी के भाषण में अर्थ नहीं, और सच बात, ध्यान तो होना ही है। जिन लोगों को ध्यान में जाना हो और इसे प्राप्त करना हो वो लोग रुक जाएं, थोड़ी देर में ध्यान भी होगा और ध्यान के बाद हम देखेंगे कि कितने लोग कुछ पा सकते हैं। कल सवेरे इन लोगों ने ध्यान का 9:30 बजे प्रोग्राम रखा, वो भी आप लोग अटेंड करें। जो लोग आज पार हो जाएंगे वो भी और नहीं होंगे वो भी, क्योंकि परमात्मा के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। हम तो परमात्मा के लिए समय नहीं जोड़ पाते, हमारे पास सारे संसार के लिए, सिनेमा भी जाएंगे 3 घंटे बैठे, लेकिन परमात्मा के लिए हम कितने घंटे बैठे। हाँ वही टाइम देते हैं जिसमें कि हम कुछ कर रहे हैं, माने या तो पूजा करें या उसको याद करें, इससे कोई फायदा नहीं। पहले आपका कनेक्शन तो लगने दीजिए, आपका कनेक्शन ही लगा नहीं है, बगैर कनेक्शन लगाए हुए आप किसे याद करें और किसी के बुला रहे। आप लोगों में से जो भी ध्यान में जाना चाहें वो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, लेकिन जिनको नहीं जाना हो वो अभी पहले चले जाओ। दूसरों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए ध्यान के वक्त, क्योंकि जो दूसरे बैठे वो आर्थ हैं, वो परमात्मा के खोजने वाले, उनकी इज्जत करें। और बाद में ध्यान में उठ के जाना नहीं होगा, करीबन ध्यान को भी 20-25 मिनट लग जाएंगे, ध्यान में हम देखेंगे, और जिनको जाना हो वो अभी चलेगा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।